नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जम्मू कश्मीर के बर्फ वाले इलाके से होकर बिहार तक पछुआ हवा पहुंच रही है। इसके कारण बिहार में सुबह और शाम काफ़ी सर्द महसूस हो रही है। इसी के साथ बता दें आपको कि बिहार में ठंड में भी बढ़ोतरी देखी गई है। पटना समेत 17 शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ आपको बता दें भागलपुर के सबौर में पारा 7 डिग्री तक पहुंच गया। ठंड के साथ ही हवा भी बेहद खराब हो रही है। गुरुवार को बिहार में सबसे अधिक वायु प्रदूषण बेगूसराय में रिकॉर्ड किया गया। यहां का AQI लेवल 424 रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इस कारण लोगों को इसी तरह की ठंड का एहसास होगा, लेकिन शाम और सुबह के समय अधिक ठंड रहेगी। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बता दें आपको कि ठंड बढ़ने से और सुबह और शाम के समय कोहरे की प्रभाव के कारण कई ट्रेनें लेट हो रही है। गुरुवार को तेजस राजधानी संपूर्ण क्रांति सहित 10 ट्रेनें देर से पटना जंक्शन पहुंची। विक्रमशिला एक्सप्रेस 1 घंटे लेट थी, मगध एक्सप्रेस 1 घंटा, आसनसोल एक्सप्रेस 50 मिनट, ब्रह्मपुत्र मेल 30 मिनट विलंब से पटना जंक्शन पहुंची। वहीं हमसफर एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। बता दें आपको कि गुरुवार को देश में सबसे अधिक वायु प्रदूषण बेगूसराय में रिकॉर्ड किया गया है। यहां का AQI लेवल 424 रहा। यह लोगों की सेहत के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। इसके साथ ही पटना, भागलपुर, छपरा सहित राज्य के 9 शहर रेड जोन में है। जनरल फिजिशियन की माने तो उनका कहना है कि यहाँ का AQI लेवल 300 से अधिक हो तो बिना मतलब के घर से बाहर नहीं निकले। साथ ही साथ लोगों को घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना चाहिए। बता दें आपको कि राजगीर में AQI लेवल 301 दर्ज किया गया। आरा की बात करें तो 312, पटना में 316, भागलपुर 335, छपरा 337, कटिहार 359, अररिया 361 और पूर्णिया में 374 दर्ज किया गया। वहीं बात करें पटना के AQI लेवल की तो पटना के गांधी मैदान में 400 से ज़्यादा दर्ज किया गया AQI लेवल। लेकिन सबसे खराब बेगूसराय की हवा रही, क्योंकि वहां का जो AQI लेवल था वो 424 AQI लेवल दर्ज किया गया। डॉक्टर फिजिशियंस जो हैं उनकी भी माने तो उनका कहना है कि घर से बेवजह ना निकले और अगर निकलते भी हैं तो मास्क का प्रयोग करें। इसी के साथ बिहार में कैसा मौसम रहेगा इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार से दी इस रिपोर्ट में। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।